हेलो फ्रेंड्स, आज का प्लान का प्लॉट एरिया 26 फीट इंटू 36 फीट का है, जो कि 936 स्क्वायर फीट का प्लान है। ईस्ट फेसिंग का प्लान है। सो इधर फ्रंट साइड है, सो इधर 26 फीट का है और इधर 36 फीट का है। सो इधर फ्रंट साइड, सो फ्रंट साइड में इधर मेन एंट्री गेट 5 फीट का दिया गया है। सो इधर से स्टेप होगा जो कि इधर से एंट्री होगा। सो इस बिल्डिंग में ग्राउंड लेवल से प्लिंथ हाइट 2 फीट 6 इंच रखा है। सो इधर से एंट्री होने के बाद आप ड्राइंग एंड डाइनिंग हॉल में आ जाएंगे, जो कि ड्राइंग एंड डाइनिंग हॉल का साइज इधर 6 फीट 6 इंच है और इधर 14 फीट 9 इंच का है। और इधर स्टेयर एरिया दिया गया है। सो स्टेयर एरिया का साइज इधर 8 फीट 11 इंच और इधर 11 फीट 4 इंच का है। सो आप इसी तरह स्टेयर का डिजाइन कर सकते हैं। सो स्टेयर के नीचे आप एक बाइक पार्क भी कर सकते हैं। सो स्टेयर का विड 3 फीट 2 इंच है, ट्रेड 9 इंच का है एंड राइजर 6 इंच का है। सो इधर किचन प्रोवाइड किया गया है, जो कि किचन का साइज इधर 8 फीट है और इधर भी 8 फीट का है। सो इस किचन में दोनों साइड में प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए 3x4 फीट का विंडो प्रोवाइड किए गए। सो किचन के सामने इधर आप इसी तरह डाइनिंग टेबल भी रख सकते हैं और डाइनिंग हॉल का वेंटिलेशन के लिए इधर 4 फीट का विंडो भी प्रोवाइड किया गया। सो इधर एक बेडरूम प्रोवाइड किया गया है, जो कि इधर 10 फीट है और इधर भी 10 फीट है। सो इस रूम में इधर एक वेंटिलेशन के लिए 4x4 फीट का विंडो भी प्रोवाइड किया गया है। सो इस बेडरूम के पास में इधर एक छोटा सा पूजा रूम भी दिया गया है। सो पूजा रूम का गेट आप इसी तरह राउंड शेप में भी कर सकते हैं। सो पूजा रूम का साइज इधर 4 फीट है और इधर 6 फीट है। सो पूजा रूम का वेंटिलेशन के लिए इधर राउंड शेप में एक वेंटिलेशन भी प्रोवाइड किए गए हैं। सो इस पूजा रूम के पास में इधर एक बेडरूम है, जो कि बेडरूम का साइज इधर 12 फीट है और इधर 11 फीट का है। सो इस बेडरूम में दोनों साइड में प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए 4x4 फीट का विंडो भी रखा है। सो इधर एक मास्टर बेडरूम है। सो इस बेडरूम के साथ एक अटैच टॉयलेट भी प्रोवाइड किया गया। सो इस बेडरूम का साइज है इधर 12 फीट 9 इंच का है और इधर 11 फीट का है। सो इस बेडरूम में दोनों साइड में प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए 4x4 फीट का विंडो प्रोवाइड किया गया है। सो इस रूम के साथ इधर एक अटैच टॉयलेट भी दिया है, जो कि अटैच टॉयलेट का साइज इधर 4 फीट है और इधर 8 फीट का है। उसके बाद इधर एक कॉमन टॉयलेट भी है, इस कॉमन टॉयलेट का साइज भी सेम है। सो इधर 4 फीट है और इधर 8 फीट का। सो दोस्तों, आज का प्लान आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। प्लान पसंद आए तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिए। सो इस प्लान में आप थोड़ा बहुत चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इस बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन एंड चारों साइड का व्यू एक बार देख लेते हैं। सो आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन। सो आप इसी तरह इस बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन कर सकते हैं। सो इस बिल्डिंग को करने के लिए आपको 12 टू 13 लाख कॉस्ट पड़ेगा। सो दोस्तों, आप भी किसी भी तरह प्लान बनाना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपके लिए भी प्लान बना के दूंगा। और दोस्तों, आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिए। सो मैं इसी तरह हाउस प्लान लेके आऊंगा।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।